प्रतीक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही भव्य परिसर के निर्माण का कार्यक्रम हो, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, उत्तराखंड के केदारनाथ पुरी और बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने का हो, या फिर उज्जैन के महाकाल को महालोक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व की ही क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इसलिए हर गुजरातवासी और हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हुए विकास की जिस नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में वो हम सब ने अनुभव किया है। जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था, भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को इस गौरव की अनुभूति कराई कि उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अपील करने के लिए कि भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आप सबने देखा होगा, कोरोना कालखंड में सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस रहे हो, कोई अन्य दल रहे हो, ये राजनीतिक दलों के लोग कोई घर के बाहर नहीं निकला। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था कि सेवा ही संगठन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मंत्र तैयार दिया था, जान है जहान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही प्रेरणा दी जीवन भी और जीविका को बचाने की, और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही उस समय जो जहां है वहीं, जहां बीमार है वहीं उपचार है, यह भी मोदी जी ने ही प्रेरणा दी। और भाइयों बहनों,